हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रामशरण वर्मा ने पार्टी हाईकमान को अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही पार्टी के लेटर पैड पर पार्टी नीतियों को लेकर रोष भी व्यक्त किया है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि हल्द्वानी विधानसभा सीट पर हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा है और आम आदमी पार्टी इस मिथक को तोड़ना चाहती है। रामशरण वर्मा ने कहा कि हल्द्वानी में वो पार्टी का ग्राफ बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जब भी हल्द्वानी आते हैं तो वो बाहरी लोगों से मुलाकात करते हैं और उनसे बात तक नहीं करते। हम सदस्य लिए, उस दिन से हमने रात दिन एक कर दिया और पार्टी को एक अच्छा नाम दिया शहर में और अच्छी पहचान बनाई है, और उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं दिया पार्टी ने कि मोनिया जी और सभी लोग ये कहते हैं कि आपका टिकट पक्का है, आपका टिकट पक्का है। तो भाई पक्का कैसे है, खाली बातों में है, खातों में है, धोखे में रखा जा रहा है। अभी दिनेश मोहनिया जी की एक मीटिंग थी जिसमें 70 विधानसभा के कार्यकर्ता मेरे यहाँ आए, मेरे कार्यालय में। तो मेरे कार्यालय में जब वो आए तो उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि वर्मा जी आपका कैसा चल रहा है, क्या प्लान है। मतलब आते हैं और मोनिया जी ना कोई बात करते हैं कार्यकर्ताओं से, और बाकी वो अपने उसमें ही दो चार लोग हैं उनके उसमें।